जो ये बलिदानियों के चित्र हैं, ये केवल आपको ये बताने के लिए हैं कि इस धर्म, इस संस्कृति, इस मिट्टी के लिए कितने करोड़ों लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान दी है। और जितने भी बलिदानी आज तक सनातन के मानने वाले हुए हैं, उनके बलिदान के साथ सबसे जो दर्दनाक पहलू है वो ये है कि उन्हें गद्दारों ने मरवाया था। उन गद्दारों ने जो उनके अपने लोग थे। बंदा बैरागी के जीवन की अंतिम समय आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से बंदा बैरागी के साथ विश्वासघात हुआ था। और जो नहीं जानते हैं उनको मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा, लेकिन बंदा बैरागियों के साथ जब विश्वासघात होता है तो उसकी कीमत ये नहीं चुकाते, क्योंकि ये तो अपना बलिदान दे देते और बलिदान कीमत नहीं है। ये तो किसी भी योद्धा का परम सौभाग्य होता है कि उसे अपने धर्म के लिए लड़कर मिटने का अवसर मिलता है। मेरी माँ और महादेव से प्रार्थना है कि ऐसा ही एक अवसर मुझे भी मिले और मैं भी अपने धर्म के लिए लड़ता हुआ मारा जाऊं, बंदा बैरागी की तरह, गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज की तरह, भाई सतीदास की तरह, मतीदास की तरह, भाई दयाला की तरह, हकीकत राय की तरह, संभाजी महाराज की तरह, जो वीर शिवाजी के वीर पुत्र थे संभाजी महाराज, उनकी तरह मुझे भी लड़ने का और अपने धर्म के लिए मिटने का मौका मिले। मैं आज बंदा बैरागी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। और मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि ये सब ईश्वरीय